नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज का जो हमारा यह वीडियो है, ये बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो 12वें और 80G के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि आखिर क्या होता है और क्या प्रोसीजर होता है इसका, और अगर आप 12वें 80G ले लेते हैं तो आपके क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप नहीं लेंगे तो आपके क्या चीज़ें आप मिस कर सकते हैं, और किन चीज़ों से आप कह सकते हैं अलग हो जाएंगे, किस कैटेगरी में आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर 12वें और 80G आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम अगर बात करें किसी भी एनजीओ की, तो एनजीओ 12वें और 80G के बिना अधूरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग एनपीओ के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि जो भी आपके पास डोनेशंस आती हैं, वो चाहे 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, चाहे वो 10-20 हज़ार की हो, उन पर टैक्स लगता है। ठीक है, जो भी, क्योंकि वो आपकी इनकम होती है। अब वहाँ पर अगर आप टैक्स ही पे कर देंगे, तो आपने जिस वजह के लिए वो डोनेशन रिसीव की है, तो उसमें आपका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक एग्जांपल में, कि अगर 30% 10 लाख का आप सिर्फ टैक्स, यानी 3 लाख रुपये सिर्फ टैक्स ही गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तो आप यानी कि सिर्फ 7 लाख रुपये यूटिलाइज़ कर पाएंगे उस पर्पज़ के लिए। तो उसके लिए आपको 12A का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, ताकि जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसमें आपको रिबेट मिल जाए, और जो आपके पास डोनेशन आ रही है उसके लिए आप पूरी तरह से जो भी आपका अमाउंट है उसे उस पर्पस के लिए, उस चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए आप उसे यूज़ कर पाएँ। अब 80G की अगर हम लोग बात करें, तो 80G का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डोनर को। अब डोनर कौन हो सकता है? या तो एक इंडिविजुअल, या कोई कंपनी, या कोई गवर्नमेंट की बॉडी, या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सारे डोनर्स में काउंट होते हैं। अब आपको वो लोग डोनेट क्यों करेंगे, आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए, उन्हें भी सामने से टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। जब आप उन्हें 80G की रिसिप्ट देंगे, जब वो आपको डोनेशन देंगे, तो आप उन्हें बदले में क्या देंगे? 80G की रिसिप्ट देंगे, जो आपकी एनजीओ को अप्रूवल मिला हुआ होता है। ठीक है, अब जब वो लोग अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तो वो शो करेंगे कि मैंने चैरिटी में इतना अमाउंट डोनेट किया, मुझे रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो 12वें 80G होता है, इसमें टैक्स रिबेट मिल जाता है। और फिर दूसरे चीज़ की हम लोग बात करें, तो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था। ठीक है, जो लास्ट ईयर जो बजट आया था हमारा, उसमें बताया गया था कि जितने भी पुराने 12वें और 80G होंगे, उन्हें रिन्यूअल करवाना होगा। रिन्यूअल किस एक्ट के अंतर्गत कराना होगा? जैसे कि अभी आपके पास 12AA है, ठीक है, तो उसका जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ, उसका नाम 12AB हो गया। इस तरीके से इसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले 3 साल पुरानी ही एनजीओ में अप्लाई कर सकती थी, अब अगर आपकी एक नई एनजीओ है, तब भी आप 12A 80G के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्रूवल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें चेंजेस की गई। और सबसे मेन चीज़ जो इस समय में आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वो ये होगा कि अगर आप 12A 80G ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 12A 80G का रजिस्ट्रेशन, या अब हम लोग बात करें तो 12AB या 80G का रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल जाता है, तो आपकी जो एनजीओ होती है उसके पास काफ़ी सोर्सेज होते हैं, ताकि वो फंडिंग रेज कर सके। उसका मतलब हमें समझने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला ये कि देखिए, जब आपकी एक एनजीओ आप एक ओपन करते हैं, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड फंडिंग सोर्सेज होते हैं। एग्जांपल में अगर हम लोग बात कर लें, तो आपके जो मेंबर्स हैं उनके डोनेशंस आप ले सकते हैं, या छोटे छोटे आप डोनेशंस पब्लिक से कलेक्ट करते होंगे। ठीक है, और थर्ड का जो हो जाता है, वो ये हो जाता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स में भी एक आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कि जो आपको फंड मिल रहा है उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी है, कि आखिर क्यों आपको 12A और 80G की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेज है, अगर आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आप 12AB एंड 80G का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, आपके पास अप्रूवल आ जाता है, तब आपके पास अनलिमिटेड, या मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं फंडिंग रेज करने के लिए। जैसे क्राउड फंडिंग, आपने नाम सुना होगा। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स से छोटे छोटे डोनेशंस लेना। ठीक है, और सेकंड आ जाता है CSR, इसका नाम हम सभी लोग जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके साथ फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो CSR के लिए आप 12A 80G के बिना एलिजिबल नहीं होते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। फिर सेकंड चीज़, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे 12A के बिना वो लोग आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देते हैं।
अगर आपके पास नहीं है तो आप उन चीज़ों में कभी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और शायद अगर आपको वहाँ से मिलने को हो तो वो भी नहीं मिल पाता है। तो उस चीज़ की आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, और चांसेस जो आपके फंडिंग के होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट डोनेशंस होती है, या अगर मैं सीधे आपको जेन्यून एक बात बताऊं कि जो लोग टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं, जिनकी इनकम 10 लाख 15 लाख या इससे ज़्यादा है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिले, तो वो आपकी एनजीओ को डोनेट करते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें टैक्स में रिबेट मिल जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी आपको सोर्सेज, मतलब अभी नहीं है आपके पास 1280G तो लिमिटेड सोर्सेज हैं, और अगर हो जाता है तो सोर्सेज बहुत सारे हो जाते हैं आपकी फंडिंग के। फंडिंग आप तभी रेज कर पाएंगे जब उसमें सामने वाले का कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ कि सामने वाले का बेनिफिट मतलब या तो उसे टैक्स में रिबेट मिल रहा हो, या ऐसी वो रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ से जुड़ रहा हो। और हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हमारे पास 1280G का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे मेंटेन करने पड़ेंगे, कंप्लायंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ आपको सिंपल सी बहुत ही ज़्यादा क्लियर करना ज़रूरी है कि जो भी आपके बायलॉज में लिखा है बस वही चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, जैसे कार्यवाही रजिस्टर होता है, एजेंडा का रजिस्टर होता है, सदस्यता रसीदें जो होती है, कैश बुक होता है, लेजर वगैरह, ये सब आपको देखिए अभी भी मेंटेन करना है। ये तो आपकी गलती है कि आप नहीं करते हैं, वो तो आप लापरवाही कर रहे हैं, वो आपका एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके बायलॉज में ही वही चीज़ें लिखी हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलना चाहिए। और वहीं पे चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मिल जाएगा तो हमें सब कुछ करना पड़ा। देखिए, अगर आपको संस्था रन करना है, नाम के लिए चला रहे हैं उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको सही से इसको सक्सेसफुल बनाना है अपनी एनजीओ को, इसमें आप भी चाहते हैं कि अलग अलग आप प्रोजेक्ट्स रन कर पाएँ, जो आप देख रहे हैं कि एनजीओ वर्क कर रही हैं, कहाँ से फंडिंग आती है, अगर आप भी चाहते हैं कि उनकी तरह आप भी अपनी एनजीओ को सशक्त कर पाएँ, एम्पावर कर पाएँ, तो ये सब चीज़ों को आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब अगर आप वो चीज़ें नहीं करेंगे जो ऑलरेडी आपके बायलॉज में मेंशन है, तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत सारी चीज़ों से, जैसे जो भी फंडिंग है, जो भी क्राउड फंडिंग है, इन सब से आप पीछे ही रह जाएंगे ना। तो उस सब चीज़ों को अपडेट रखिए। और एडिशनल में क्या हो जाता है, बस इतना सा हो जाता है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट, और आपका जो भी कैश बुक वगैरह जो आप आय व्यय करते हैं, ये सब आपको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब सब चीज़ें मेंटेन आप रखते हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर की बात करें कि आखिर प्रोसीजर क्या होता है आपको 1280G लेने के लिए। तो देखिए, जो अमेंडमेंट आया था उससे पहले ही होता था कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था, ठीक है। आप कह सकते हो कि मिलना मुश्किल हो जाता, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार होते थे, नई एनजीओ को नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये अमेंडमेंट आया है तो जो आपकी अगर नई एनजीओ है या पुरानी एनजीओ है, आपको 1280G मिल सकता है। देखिए, अगर आप हमारी कंसल्टेंसी के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके कम से कम रेट में 1280G का अप्रूवल करवाया जाएगा, ठीक है। उस चीज़ का आपको पूरा गाइडेंस कंसल्टेंसी यहाँ से प्रोवाइड होगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी अगर नई एनजीओ है तो देखिए, सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या अगर आपकी ट्रस्ट है तो उसकी ट्रस्ट डीड, एनजीओ का आपका पैन कार्ड, जो आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, एनजीओ में उनके आधार या पैन चाहिए होंगे, और आपका जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उसके आप प्रूफ दे सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है, या आपकी न्यूज़पेपर कटिंग्स है, कुछ वीडियो क्लिप्स है, वो सब आप एज अ प्रूफ एविडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CSR का रजिस्ट्रेशन भी अब होने लगा है, जिसमें 12A और 80G अब मैंडेटरी है। तो बिना 12A भी और 80G के आपको CSR का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, लास्ट अप्रैल तक में हम लोगों ने कुछ फाइल्स वगैरह अप्लाई की थी तो उनके अप्रूवल आ गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पर मैंडेटरी हो गया है 12A और 80G। तो देखिए, कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं जिससे आप 1280G अगर ले लेते हैं तो आपको यहाँ से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और बाकी आप जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर देकर के कॉल कर सकते हैं, आपको और भी डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, जो टेंडर्स आते हैं, RFP आते हैं, ग्रांट्स आते हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब नॉलेज मिलती रहेगी।